आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि सफलता के हमें 3 मंत्र बताएगी। तो चलिए आज हम फ्लोरेंस चैडविक और उसकी सफलता के 3 मंत्र के बारे में बात करेंगे। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए मेहनत भी करते हैं, पर कभी कभी हमारे सामने ऐसी चुनौतियाँ आ जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि कठिनाइयाँ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे जिस पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हम हार मान लेते हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अभी कठिन हालातों का सामना कर रहे हैं और अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं। देखिए, जीवन कठिन हो सकता है, समस्याएं आपको नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप यकीनन जीत जाएंगे। कैटलिना चैनल पार करने की फैसला जो उन्होंने फ्लोरेंस चैडविक ने लिया, वो 34 वर्ष की उम्र थी जब उन्होंने कैटलिना द्वीप से कैलिफोर्निया की तटरेखा तक, जिसे कैटलिना चैनल भी कहते हैं, 21 मील तैर कर पार जाने करने का निश्चय किया। किसी महिला द्वारा कैटलिना चैनल पार करने का ये पहला प्रस्ताव था। 4 जुलाई 1952 स्विमिंग सूट पहनी हुई चैडविक जीतने के लिए निश्चय के साथ पानी में अंदर उतरी और तैरना शुरू किया। मौसम बहुत चुनौतीपूर्ण था, महासागर ठंडा बर्फ बना पड़ा था और कोहरा इतना घना कि पीछे नाव में आ रही सहायक टीम को भी देख पाना बहुत मुश्किल था। ज्वार और मौसम दोनों उनके खिलाफ थे। 5 घंटे बीत गए पर कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहायक टीम के साथ नाव में बैठी उसकी माँ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लगातार 15 घंटे तैरने के बाद उसे अपने तैरने की क्षमता पर संदेह होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे नहीं लगता कि अब वह इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ा सकती है और आगे रिकॉर्ड बना सकती है। कोहरे की वजह से वह समुद्र तट नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है। और दुर्भाग्य से वह सिर्फ 16 घंटे की मुश्किल तैराकी के बाद उसने हार मान ली और बड़ी निराशा के साथ उसने अपने सहायक दल को उसे पानी से बाहर निकालने के लिए कहा। पर जब वे किनारे पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वे किनारे से सिर्फ 1 मील से भी कम दूरी पर थी। बाद में उसने एक संवाददाता से कहा कि देखो, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़मीन देख पाती तो मैं यकीनन रिकॉर्ड बना लेती। कोहरे ने उसे अपने लक्ष्य को देखने में असमर्थ बना दिया और उसे लगा कि वह पहुँच नहीं पाएगी। वह निश्चित रूप से तट पर पहुंच जाती अगर पानी में बस कुछ देर और लगी रहती। इस असफल प्रयास के 2 महीने बाद उसने फिर से कोशिश की और हालांकि इस बार भी धुंध बहुत घनी थी, लेकिन इस बार जब वह खुद को धक्का दे रही थी तो उसके दिमाग में तटरेखा की मानसिक छपी थी। और न केवल वह सफल रही बल्कि कैटलिना चैनल को तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली महिला भी। तो ये कहानी हमें सफलता के 3 सबक सिखाती है। नेवर गिव, हार मत मानिए। जब हम कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो हम कई बार अपने गंतव्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हार मान लेते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें लगता है कि हम मंजिल नहीं मिल सकती। इस बात को याद रखें, धुंध के आगे खूबसूरत किनारा है और आप उसके बेहद करीब हैं। यदि आप उस घनी धुंध रूपी दिक्कतों के बीच में लगातार तैरते रहेंगे, उनका सामना करते रहेंगे, तो आप किनारे तक ज़रूर पहुँच जाएंगे और आप जीत भी जाएंगे। दूसरी आपकी जीत है सीख, जो आपने उस जीत से सीखी। हार को जीत में बदला जा सकता है। बहुत से लोग कई चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब वे पहली बार उसे करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें असफल हो गए। अगर फ्लोरेंस चैडविक भी अपनी पहली नाकामयाबी को आखिर मान लेती तो वह कभी भी कैटलिना चैनल पार नहीं कर पाती। उनकी तरह हमें भी हार की निराशा को जीत के जोश में बदलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको 2 बातें सभी में एक जैसी देखने को मिलेगी। पहली, हर सफलता व्यक्ति ने, जो हर सक्सेस पर्सन ने अपने जीवन में कभी ना कभी असफलता का सामना किया होगा। और दूसरी, हर एक सफल व्यक्ति ने हार का सामना करने के बाद दोबारा कोशिश भी की होगी।
चैडविक ने भी वही किया, पर इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद भी जब उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। देखिए, हार मानने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आप दोबारा कोशिश करना नहीं छोड़ते। जब भी हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अस्थायी हार और बाधाएं अनिवार्य होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक बार असफल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए असफल ही रहेंगे। कोई भी कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी सफलता होने का जो एक खिताब है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप हमेशा के लिए ही असफल रह जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको सीख मिलती है, तीसरी सीख, वह बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखें। ये मायने रखता है कि आप अंदर से कितने दृढ़, कितने मजबूत और कितने अपने आप को कितना भरोसा करते हैं। पहली बार अपनी कोशिश में विफल होने के बावजूद चैडविक ने अपना भरोसा नहीं खोया। उसे यकीन था कि वह चैनल क्रॉस कर सकती थी और इसी सेल्फ बिलीव की ताकत से वह दूसरी कोशिश में चैनल पार कर गई। तो फ्रेंड्स, इस बात को तय है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में विश्वास करना ही होगा। इसके लिए आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया में सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति होने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद पर भरोसा करते हुए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन आपको सफलता एक दिन प्राप्त हो जाएगी।